गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू अबाउट नरेशन। व्हाट इज नरेशन? डेफिनेशन ऑफ नरेशन, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज टोल्ड इन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे, इट इज कॉल्ड नरेशन। यानी व्हेन मीन्स जब, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, यानी जब स्पीकर जो वक्ता के जो स्टेटमेंट है कथन को इस टोल्ड मीन्स कहा जाता है, इन्हें डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से एंड मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, इट इज कॉल्ड नरेशन, उसी को ही नरेशन कहा जाता है। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ाते हैं आपको। तो नरेशन को ये, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें देखिए ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई शैल नॉट हेल्प हिम, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें रूल्स हैं ये कि दीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रूल्स आर यूज्ड फॉर एवरी टाइप सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड दीज मीन्स ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वर्ब है। ये रूल्स नियम हैं, आर यूज, इनका प्रयोग किया जाता है फॉर एवरी टाइप, प्रत्येक प्रकार के सेंटेंसेस वाक्य में किया जाता है, ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के में। नंबर वन कौन सा है? टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का, इसका ये रूल है फर्स्ट। टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, बदल दिया जाता है, अकॉर्डिंगली मीन्स उपयुक्त रूप से बदल दिया जाता है। जैसे फर्स्ट है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलते हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर में विल का वुड करते हैं, सेल का शुड करते हैं, कैन का कुड करते हैं, मे का माइट करते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ऑट का ऑट ही रहता है, ऑट टू होता है। उसके बाद इसमें रूल नंबर फर्स्ट में ये क्लियर होगा, रूल नंबर सेकंड, सेकंड है, सेकंड में है पर्संस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच की शुड बी चेंज, बदली जानी चाहिए अकॉर्डिंगली उपयुक्त रूप से। जैसे है कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट पर्सन को इज चेंज्ड मीन्स बदल दिया जाता है, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार टू द सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है, किसके अनुसार बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। उसके बाद ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदलेंगे, उसके ही के अनुसार बदलेंगे जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे मैं आपको दिखाई दूं पूरा यहाँ पर, यानी जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का ये ही है, इसके अनुसार सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट हुआ ये, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड, द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं।
जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ये दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन किस इसके अनुसार हो गया, और ये मी ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन होगा वो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। उसके बाद द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स में, और शॉर्ट में ही सिखा देते हैं उसे, यानी एस ओ एन ये है सन बटे 130, ऐसे बनता है सब्जेक्ट, ओ से है ऑब्जेक्ट, एन से है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हम पर्सन की टेबल को भी शो कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टेबल ऑफ पर्सन्स नॉलेज, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये पजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई माई मी वी अवर अस। सेकंड पर्सन में यू है तो यू योर यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे हैं तो ही हिज हिम सी हर हर, इट इट्स इट दे दियर देम, ये होगी टेबल। उसके बाद रूल नंबर थर्ड, अभी बताया था आपको रूल नंबर थर्ड के बारे में कि रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड में है ये कि द वर्ड्स शोइंग क्लोजनेस, निकटता दर्शाने वाले शब्दों को आर चेंज्ड, बदल दिया जाता है इन टू द वर्ड्स में शब्दों में विच मीन्स जो सो दर्शाते हैं, डिस्टेंस मीन्स दूरी, एंड निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है एज मीन्स जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे और या द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों जो बीता हुआ है उसके लिए टू डेज बिफोर दो दिन पहले कह सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो परसों आने वाला है ये, इन टू डेज टाइम ये दो दिन के समय में, एपोस्ट्रोफी एस है। इस तरह से ये निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले में चेंज करेंगे। नेक्स्ट और क्या है देखिए इसमें, और इसके माध्यम से भी अब है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता ही है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला असर्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, नंबर वन अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर टू नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके रूल्स हैं, नियम देखते हैं असर्टिव के रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल नंबर वन है ये सेट टू ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की सेट टू को कन्वर्ट्स मीन्स बदल देते हैं इनटू टोल्ड में। उसके बाद जैसे सेट टू ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब की सेट टू कन्वर्ट्स मीन्स बदल देते हैं इनटू टोल्ड में बदल देते हैं। इफ मीन्स यदि देयर इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट नहीं है इन रिपोर्टिंग वर्ब में तो के लिए कॉमा दिया है, द वर्ड सेड इज नॉट चेंज्ड, तो ये शब्द है नहीं बदला जाता है, सेट का सेट ही रहेगा, सेट टू टोल्ड हो जाएगा। एज जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल प्ले क्रिकेट, ही का ही रहा, सेट टू का टोल्ड हो गया, मी का मी रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ये देख लीजिए फर्स्ट पर्सन है आई, ये सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया, सेल का शुड बताया हमने, विल का बुड बताया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, इसलिए बुड हो गया, प्ले का प्ले रहा, क्रिकेट का क्रिकेट, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जांपल है ही सेड आई एम रीडिंग दिस बुक,
ही का ही रहा, सेट का सेट, कंजक्शन देट रहा, क्योंकि सेट का सेट ही रहेगा, आई फर्स्ट ऑन सब्जेक्ट के अनुसार सी ये तो सी हो गया। सी के साथ एम का वॉज हो गया, क्यों हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। रीडिंग का रीडिंग रहा, दिस का निकटता दर्शाने वाला शब्द है तो देट हो गया, बुक का बुक रहा, इस तरह से कंप्लीट हुआ। रूल नंबर टू क्या कह रहा है जैसे देखते हैं, आफ्टर मीन्स वर्ड रिमूविंग, हटाने के बाद इन्वर्टेड कॉमाज, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, उन्हें हटाने के बाद ये वाले लगे हुए हैं, वी यूज हम प्रयोग करते हैं, द कंजक्शन देट का प्रयोग करते हैं, जो आपको भी करके दिखाया है यहाँ पर, ये कॉमा नोट कॉमा हटा के देट लगाया है। जैसे और देख लीजिए, और देख लीजिए इसको, देट जी हो गया, वी यूज था, सही समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अब आई का आई रहा, सेट टू कंट्रोल हिम का हिम रहा, कंजक्शन यू कॉमा हटा के देखो देट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है तो इसका ही हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो हमें हिम का सब्जेक्ट चाहिए, हिम का सब्जेक्ट ही होता है तो ही हो गया। सिंगुलर है ये, इसके लिए आर के स्थान पर वॉज हो गया, आ का आ रहा, लेजी का लेजी, और वॉय का वॉय रहा, इस तरह से ये कम्प्लीट होगा। तीसरे वाले इस रूल में क्या है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज मीन्स एन प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है और या फ्यूचर टेंस में है, तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इज नॉट चेंज्ड, तो ये चेंज नहीं होता, बदला नहीं जाता। जैसे ये पूरा करके दिखाएंगे अभी, जैसे इसमें ये दिया है ही सेज टू मी, तो सेज प्रेजेंट इनडेफिनेट है, इसलिए इसका टेंस अब नहीं बदला जाएगा। ही का ही रहा, सेज टू का टेंस हो गया, मी का मी रहा, कंजक्शन देट हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट मी का आई, तो आई हो गया। अब यहाँ पर आर है, आई के साथ वाज आना चाहिए था लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, आई के साथ एम आता है तो एम लग जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही का पजेसिव केस क्या है, जैसे आई का माई है तो ही का हिज है तो हिज हो गया, ब्रदर का ब्रदर रहा, इस तरह से ये कम्प्लीट हुआ। दूसरा वाला फ्यूचर में देख लेते हैं कि सी विल से, तो देखो सी का सी रहा, विल का विल रहा, से का से रहा, से टू होगा तो टेल होगा, और जब से है तो सही रहेगा, कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो सी लिख दिया, सब्जेक्ट सी है तो क्या किया, ये सी लिख दिया। आई फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी ए सी हो गया। हैव का हेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हैज आता है सिंगुलर के साथ, तो हैज हो गया। डन का डन रहा, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी, तो आई का माई है पजेसिव केस, तो सी का हर है तो हर हो गया, और वर्क का वर्क रहा, वर्क का वर्क रहा, इस तरह से ये कम्प्लीट हुआ। उसके बाद ये देखते हैं, इफ़ मीन्स यदि, देयर इज मीन्स है यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि सार्वभौमिक सत्यवाद है, या हैबिचुअल एक्शन आदत प्रकट है, और या कोई प्रोवर्ब कहावत है, इन द रिपोर्टेड स्पीच में द टेंस ऑफ इट मीन्स इसका इज नॉट चेंज, तो इसका टेंस चेंज नहीं होता। एग्जांपल है ही सेड, तो ही का ही रहा, सेड का सेड रहा, कंजक्शन देट हुआ, द सन इज हॉट का द सन इज हॉट रहा, क्यों रहा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्यवाद है। सी सेट टू मी डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर, तो सी का सी रहा, सेट टू कंट्रोल मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट आ गया, डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर सेम रहा, क्यों रहा सेम, क्योंकि ये प्रोवर्ब कहावत है कि डॉग्स मीन्स कुत्ते वार्क भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स अजनबी व्यक्तियों पर। उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड व्हेन द कैट इज अवे रेट्स प्ले, ये प्रोवर्ब है कहावत है, और ये डॉग्स वाला हैवी चलेक्शन आदत प्रकट हो रही थी, यहाँ आदत हो गई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और ये प्रोवर्ब कहावत है। ही का ही रहा, सेट का सेट, कॉमा इनवर्ट कॉमा कंजक्शन दैट लगा दिया, व्हेन द कैट इज अवे का अवे रहा, और रेट्स प्ले ये रहा कि जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आफ्टर रिमूविंग द वर्ड सर फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच से, सर या मैम आ जाए तो वी पुट हम यूज करते हैं रेस्पेक्टफुली का बिफोर कंजक्शन, कंजक्शन से पहले, जैसे दिया है इसमें, ही का ही रहा, ही सेड टू मी सर आई डिड,
नॉट प्लक फ्लावर्स, तो ही का ही रहा, सेट टू का टोल्ड हुआ, मी का मी रहा। सर है तो कंजक्शन से पहले रेस्पेक्टली, तो रेस्पेक्टली आ गया, अब दैट लगाया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो ही लगा दिया। डिड नॉट का हेड नॉट हो गया, फिलक का फिलक्ड हो गया क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लावर्स का फ्लावर्स रहा, फ्लावर्स का इस तरह से फ्लावर्स रहा। तो इस तरह से आपका यह असर्टिव सेंटेंस है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप इसको बहुत ही डीपली ध्यान से पढ़ें, कहीं पर भी समझ में ना आए तो मैं कमेंट चेक करता हूँ, आप कमेंट में लिख दें कि ये प्रॉब्लम है, आपको उसको समझा दिया जाएगा। थैंक्स।